हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपका जो अलॉट स्टडी सेंटर है वो आप कैसे पता कर सकते हैं, मतलब जो आपको स्टडी सेंटर अलॉट किया गया है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हैं, मतलब कौन सा स्टडी सेंटर आपको दिया गया है, क्या स्टडी सेंटर कोड है, उसका पीसीपी उस पर क्या शेड्यूल होगा, उसके बारे में आज हम आपको सब जानकारी देंगे। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जो NIOS डीलर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसको जब आप ओपन करते हैं तो आपके सामने एक ऐसा डैशबोर्ड ओपन होके आता है जैसे स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो जहाँ वहाँ पर लिखा होता है टीचर सेक्शन, स्टडी सेंटर कॉर्नर, फॉर स्टेट नोडल ऑफिसर डैशबोर्ड फॉर रिपोर्ट्स। तो जैसे ही आप टीचर सेक्शन पे जब क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया विंडो ओपन होके आता है। तो वहाँ पे देखिए, एक जो नया लिंक NIOS से अभी जोड़ा गया है, अभी भी आया है वो लिंक, ये जिसमें लिखा है टू नो योर अलॉटेड स्टडी सेंटर। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया विंडो ओपन होकर आएगा और वहाँ पे आपको बताएगा इंटर रेफरेंस नंबर, जो आपको है रेफरेंस नंबर एंटर करने के लिए कहेगा। तो जो रेफरेंस नंबर जो है वो आपको आपके आईडी कार्ड या आइडेंटिटी कार्ड जो है उस पर आपको आपका रेफरेंस नंबर लिखा होगा और वहाँ से आप रेफरेंस नंबर लेकर यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पे अपना रेफरेंस नंबर फिलअप करते हैं और सबमिट करते हैं तो आपके सामने एक नया विंडो ओपन होकर आता है। चलिए बताते हैं वो नया विंडो में क्या होता है। तो रेफरेंस नंबर जो है फिलअप करते हुए, जैसे आप रेफरेंस नंबर फिलअप करेंगे आपके सामने ऐसा विंडो ओपन होके आ जाएगा। जैसे यहाँ पे तो कुछ अभी शो नहीं कर रहा है, लेकिन जहाँ जहाँ स्टडी सेंटर बन गए हैं, जहाँ जहाँ का इन्फॉर्मेशन जो है अपडेट कर दिया गया, वहाँ पे जो है आपका रेफरेंस नंबर शो करेगा, एनरोलमेंट नंबर शो करेगा, आपका नेम शो करेगा और जो आपका स्टडी सेंटर एड्रेस है वो भी शो करेगा कि जो आपका स्टडी सेंटर एड्रेस है, जहाँ पे आपको पढ़ना है, आपका पीसीपी शेड्यूलिंग है जहाँ पे, वो आपको शो करेगा। और जो कोऑर्डिनेटर का मोबाइल नंबर है वो आपको शो करेगा, ईमेल शो करेगा। तो इस तरीके से जैसे आप पता कर सकते हैं कि आपका जो स्टडी सेंटर जो है वो कौन सा है, स्टडी सेंटर कौन सा आपको स्टडी सेंटर अलॉट हुआ है उसका आपको एड्रेस मिल सकता है। और जो आपका स्टडी सेंटर अलॉट है आप उस पर ही अपने असाइनमेंट वगैरह सब कुछ जमा करेंगे। तो इस प्रकार से जहाँ जाके स्टडी सेंटर बन गए हैं वहाँ वहाँ पर तो इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है, लेकिन जहाँ पे स्टडी सेंटर अभी तक नहीं बने हैं, जहाँ पे स्टडी सेंटर की जो संख्या जो अभी भी जीरो ही है, तो वहाँ पे जब आप अपना रेफरेंस नंबर वगैरह या एनरोलमेंट नंबर डालेंगे तो क्या कहते हैं कुछ वहाँ पे इस तरीके का विंडो ओपन होकर आएगा और यहाँ पे सब कुछ ब्लैंक होगा, कुछ भी फिलअप नहीं होगा। लेकिन जैसा जहाँ स्टडी सेंटर बन गए हैं और अगर इन्फॉर्मेशन अपलोड कर दिया गया है NIOS के द्वारा, तो आपका यहाँ पे स्टडी सेंटर एड्रेस और क्या कहते हैं जो यहाँ पे स्टडी सेंटर है और कोड नेम सब कुछ लिख कर आएगा, आपका नेम, फादर्स नेम, मदर नेम सब कुछ लिख के आएगा। और यहाँ पे आप जहां लिखा हुआ नीचे क्लिक हेयर टू व्यू योर पीसीपी शेड्यूल, और यहां पे आप क्लिक हेयर यहां पे क्लिक करके आप अपना पीसीपी शेड्यूल भी देख सकते हैं कि कब से आपको पीसीपी, किस डेट से आपको पीसीपी शेड्यूल करना है, वहां पे एसडी सेंटर पे असाइनमेंट जमा करने हैं, तो सारा डिटेल आपको यहां पे मिल जाएगा। दोस्तों, किसी भी हेल्प के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।